नमस्कार। आज मैं आपको राग पटदीप में अलंकारिक ताने कैसे लेंगे इसके बारे में बताऊंगा। आपको जैसे मालूम है अलंकारिक ताने क्या होती हैं। हम एक कोई सुर का एक पैटर्न बनाते हैं, जैसे आपको 1 2 3 के फॉर्मेट में बताएं तो जैसे 1 1 2 1 है, तो इसका मतलब 1 यानी सा, 2 यानी रे, तो 1 1 2 1 होता है सा सा रे सा। हम इस पैटर्न को लेके उस राग में, जैसे राग पटदीप है, तो पटदीप में हम आरोह अवरोह की जो उसके डेफिनेशन है, औरो संपूर्ण राग है, रे और ध आरोह में वर्ज है, पर हम उसको कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसका हम कोशिश करेंगे दिखाने की। आपको कुछ 10-15 अलंकार दिखाने की कोशिश करेंगे, साथ में एक एक ताल द्रुत की बंदिश में आपको इसको मैं लेके भी दिखाएंगे कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। हमने आज के लिए जो राग का जो सुर चुना है वो है पहला ताला या सी शार्प। राग का वातावरण बनाते हैं। इसे मालूम है आपको दिन के तीसरे पटक का बहुत खूबसूरत राग है, शुक्र निशान एकदम इसका प्रबल सुर है और इससे राग एकदम निम्बलासी से अलग दिखता है। एकदम निम्बलासी की कैटेगरी का राग है, पर एकदम शुक्र निशान से एकदम इसका भाव और सब कुछ एकदम अलग दिखता है। सुर में अपनी लय में हम आपको एक लय बताएंगे जिसमें हम आपको लेके दिखाएंगे, थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे उसमें, पर आपको अपने सुर में और लय में गाना है अपनी ताल में और उसको बाद में फिर घोटना है सरगम में आकार में, जिससे कि वो आपके राग के साथ एकदम फिट हो जाए और आपको एक बार कंठस्थ होने के बाद आपके घुट जाए। इसको बोले हम ताने, अलंकारों को घुटने का काम करते हैं। एक बार ताने घुट गई आपकी अलंकारिक ताने, फिर आपको ये बंदिश में लेने में कितनी आसानी हो जाती है,
इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। तो 1-1-2-1 हो गया, सा सा रे सा, रे अवरोह में लगेगा तो अवरोह में आना पड़ेगा क्योंकि रे के बाद नीचे आना पड़ेगा। सा सा रे सा इज अ वैलिड सीक्वेंस इन राग पट्टी आल्सो, क्योंकि 1-1-2-1 ले रहे हैं तो 2 इज अ भी हम इसमें वैसे तो देखा है तो 2 मतलब सागा होगा, पर हम सा सा रे सा को भी हम मान सकते हैं क्योंकि रे के बाद नीचे आ रहे हैं। सा सा रे सा, रे रे गे हो नहीं सकता इसलिए ग ग मोल होगा, इसलिए अकॉर्डिंगली उसको लेकर दिखा रहे हैं। सा सा रे सा ग ग म ग म म प म प प ग प प प ध प, ग के बाद सिर्फ प पे आ रहे हैं इसलिए प प ध प ही ग प रे सा रे सा ग म ग स ध रे ग म ग स ध रे ग म ग सा ग रे सा को आप सरगम में लीजिए, फिर आकार भी लीजिए, एक पर्टिकुलर लय में आप अपना कोशिश करें इसको लेने की। आपकी रेंज जो है यदि पंचम तक जा सकते हैं तो जाइए, ऊपर के साथ तक भी जा सकते हैं आप, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने आपको सिर्फ एक पैटर्न बताया, उसको आप अपने अपनी रेंज के हिसाब से, अपने गले के हिसाब से, अपने सुर के हिसाब से उसको आप इस राग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए बता रहे हैं कितने आसानी से हम ले पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने ये राग में अलंकारों को घोटा हुआ है, तो घोटने से वह हमने फिर आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। यही एक इसका मतलब है कि एकदम आसानी से आप अपनी ताने कितने भी किसी भी सुर से बना सकते हैं। उन्होंने सांस ले रहे हैं और हम म से भी बोलेंगे तो बन बम 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 Sare da 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 sa ga ma 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 ga ma pa 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 da 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 इसको सारे दे 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 सा बीच में पॉज देके कर रहे हैं। सारे दे 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 सा ग म 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
सा रे 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 सा आठ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका कितना बढ़िया, सा रे 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 गा गा। कितने भी बड़ा पैटर्न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। इवन 10 का पैटर्न भी निकाल सकते हैं आराम से, सारे सा सा गा 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 गा, सारे सा सा, ये तो 12 हो गए। सारे सा सा गा 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 गा, सारे सा सा गा 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 गा। ऐसे करके 4 4 8 और 2 10, ये वाला 10 का पैटर्न बन गया। सारे सा सा गा 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 जाते हुए हम अवरोह में गए। अवरोह में एक सिंगल पैटर्न लेके वापस नीचे आ गए, या फिर सपाट तार लेके भी नीचे आ सकते हैं। आप तारों की विविधता को बढ़ा सकते हैं। अलंकारिक पैटर्न जो है आपको आरोह में एटलीस्ट एक बार तो पूरा पूरा लें, अवरोह में फिर आपके पास चॉइस है कि आप उसको सपाट तार में उसी पैटर्न में नीचे उतरें, या फिर सपाट तान लेके नीचे आ जाए, या एक उसका छोटा पार्ट लेके नीचे उतरे अलंकारिक पैटर्न। ऐसे करके आप एक अलंकारिक तान को अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। फिर आपने एक आप देखें जाए तो हम हजारों पैटर्न बना सकते हैं, लगभग इन्फाइनाइट जैसे पैटर्न बना सकते हैं। सिंपल उदाहरण है कि दो सुरों के सिर्फ 1 1 1 2 या 2 1 या 1 3 या इस टाइप के बहुत सारे बन जाएंगे, पर एटलीस्ट 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 3 वाले 3 क्यूब बनेंगे, मतलब 27 बनते हैं, उसमें से 1 1 1 2 2 2 3 3 3 कॉमन होंगे, तो वो छोड़ दिए तो 24 यूनिक बनते हैं। 4 के 200 4 टू द पावर 4 यानी 256, उसमें से 4 कॉमन निकाल दीजिए तो मतलब 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 एक कॉमन, मतलब 4 में से एक ही भी निकलेगा तो 25 मतलब 253 लगभग यूनिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऐसे करके आप सारे हजारों कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 5 वाले भी कम से कम 5 to the power 5 यानी 625 कॉम्बिनेशन होते हैं। 6 के लेकर 3000 से ऊपर बनते हैं। पर आपके जब भी जरूरत नहीं, आपको कम से कम 10-15 अलंकारिक ताने हमेशा याद होने चाहिए, जो कि आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उन्हीं को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये 3000 तानों को आपको लेने की जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट ये है कि आप जो भी ताने लें वो परफेक्टली लें, आपकी घुटी हुई होनी चाहिए। इसलिए आपको हर राग में कम से कम 15-20 अलंकारिक ताने लेते ही आना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उनका रियाज करें, लगभग रोजी जो भी राग करें उसको, विदाउट वक्र वाले जो राग हैं जिसमें वक्रता नहीं है उनमें तो आप बड़े आसानी से अलंकारिक पैटर्न को ले सकते हैं। भले वो औड़व औड़व हो या औड़व शाड़व हो या संपूर्ण हो, या औड़व संपूर्ण हो या शाड़व संपूर्ण हो, जैसे ये राग औड़ा संपूर्ण है। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ती है पर वो एडजस्ट हो जाती है। आप उसको थोड़ा सा ट्रिकी ही है, पर उसको आप निकाल के एक बार देखेंगे, राग की डेफिनेशन या परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उसको फिट करिए तो आराम से आपकी दान फिट हो जाती है। अलंकारिक पैटर्न सागम पम ग ऐसा कहीं भी बना सकते हैं। सागम पम ग 1 2 12 के बाद सागम पम ग रे सा ये 16 का पैटर्न बन गया। आप कैसा भी पटन हो, 16 का भी पटन आप इतना आसानी से बना लें तो वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस ये बच्चों रैंडमली हमने कोई हर एक अलंकार की प्रैक्टिस नहीं की है, पर हम रैंडमली कुछ भी नए अलंकार को भी हम ट्राई करके बना सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे अलंकार पहले से घोट रखे होंगे, तभी फिर आपके पास में एक कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप नए नए अलंकारों को भी आप ट्राई कर सकते हैं और वो इंस्टेंटली भी करेक्ट निकल जाते हैं।
इसलिए आपको अलंकार को पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये आपको सीरियसली अपनी गायकी को आगे बढ़ाना है, आपके पास तानों का अच्छा भंडार होना चाहिए और ताने घटी रिटाई नहीं होने चाहिए, वो आपको इंस्टेंटली क्रिएट करते रहने चाहिए। और अलंकारिक पैटर्न्स जो हैं इससे बढ़कर कोई अच्छा साधन नहीं जिसमें आप अपने अलंकारों को आराम से बना सकते हैं। उसमें कहीं किताब देखने की या कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अपने मन से आप बना सकते हैं ताने और किसी भी राग में सोच सकते हैं। बंदिश में लेकर दिखाते हैं यही सब कलंकार कैसे लिए ताल का तो शुरू करते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बंदिश है, इसका मुखड़ा ऑड नंबर से कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 आठवीं मात्रा से शुरू होता है। Thank you.
है इसका, हम जब चलते हैं। Oh,
कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बंदिश के साथ यदि आपको बंदिश भी ऑफकोर्स हार्ट में पूरी कंठस्थ होनी चाहिए और ताने आपको घुटी हुई होनी चाहिए, तभी आप फिर ये बंदिश के साथ में बड़ी इसी आसानी से किसी भी सुर से किसी भी मात्रा से और ताल का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ये सब कर पाएंगे। तो ये सब करने के लिए आपको पहले ज़रूरी है कि आप पहले तानों को घोटें उस राग में। ये जो हमने ताने बताई 15-20, आपको 15-20 तरह की ताने को घोटनी है, हज़ारों तरह की ताने घोटने की ज़रूरत नहीं है। अलंकारिक पैटर्न बस 15-20 अलंकारिक पैटर्न्स को आप होती है और उनको फिर आप ऐसा करिए कि आपको कभी भी रोज सोते जागते आपको पूछें तो इमीडिएटली आपको किसी भी राग में आपको निकालते बने, ये ध्यान रहे। तो एक बार आपकी एक वो ताने तैयार हो गई फिर आपको ताने बनाना बड़ा आसानी हो से आप बना सकते हैं, इसलिए बहुत यूज़फुल पैटर्न है। आपको ये अलंकारिक पैटर्न हमेशा याद रखने चाहिए और अपनी गायकी में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और यही समाप्त करते हैं, नमस्कार।